को निकाल कर गेट बंद कर दो। हम अभी बाबा बेटी के गम ने वकार भाई को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। जिस घर में कल तक शहनाइयां गूंज रही थी, आज वहां चारों तरफ अगरबत्ती और लोभान की खुशबू फैली हुई है। कितनी बदनसीब है इसरा कि अपने बाप का आखिरी दफा चेहरा भी नहीं देख सकी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि वो दोनों अपने बिल से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो आज वो दोनों अपने पैरों पर वापस ना जाते। फजूल बातें मत करो, पहले ही तुम्हारी वजह से पूरे खानदान में मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं अकेली रह जाऊं? मुझे ऐसे लगता है वकार भाई की मौत के हम जिम्मेदार हैं। ना मैसरा को तुम्हारे लिए पसंद करती, ना आज सभा इतनी जल्दी बेवा होती। जल्दी नहीं तो नासिर, ये तो होना था ना, सब तय कर रखा हुआ था। जब तुम ये सब कुछ जानते थे फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों चिंगारी को हवा दी? तुम जानते हो ना कि वो उसके निकाह में है। मैं नहीं मानता इस निकाह को और ना ही उन दोनों को बख्शूंगा। और आप क्या चाहते, ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ, जो ना इंसाफी हुई, भूल जाओ इसको, माफ कर दूं उनको? नहीं, इतनी आसानी से नहीं माफ करूंगा। तो क्या करोगे तुम, मार दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, मार दूंगा। पागलपन की बातें मत करो हारिस, ये जिद अब पागलपन की हद से बहुत आगे तक निकल चुकी है। अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। हारिस, हारिस, फोन बंद है। तुमने पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है? पूछा था, नहीं बताया। पिस्टल लेके साथ गए है। मुझे ये डर है कि उन दोनों में से किसी को भी मार दिया तो मैं क्या करूंगी। हम आपके सर पे खून से बाहर है और ये सब उस इसरा की वजह से हो रहे। मैं आपको बता रही हूं, अगर हमाद को इसरा की वजह से कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस बदनसीब के पास तो अब बचा ही क्या है जो तुम भी नहीं छोड़ोगी। इतना सब कुछ हो गया है, अभी भी आपको अपनी बेटी की फिक्र है? मेरे शोहर की जान खतरे में है। हमाद आपका सगा बेटा है भी कि नहीं, या सिर्फ इसरा आपकी सगी बेटी है जिसने अंकल को कब्र तक पहुंचा दिया और अब मेरे शोहर की जान लेने पे तुली हुई है? कितनी बदनसीब हूं ना मैं, शोहर भी चला गया और अब अपनी औलाद भी एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। हाँ तो सब आपकी ढील का नतीजा, जो सबकी इज्जतों से खेल गई। अंकल गुजर गए और अब हमाद,
मुझे सोच सोच के कुछ हो रहा है, अगर हमाद को कुछ हुआ ना तो बे था मुझे कि तुम यहां जरूर आओगे। इसी वक्त का इंतजार था कि तुम यहां कब आओ और मैं तुम्हें यहां जिंदा कर दूं। इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। सारा कसूर तुम्हारा ही है कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो हमारी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे बाबा के कातिल, मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बात पे। चुप। तेरी शर्मिंदगी का यही अजाला है कि सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूं। किस्मत अच्छी है तुम दोनों की। लेकिन ये उधार रहा, हमान कहाँ रह गए थे आप? मेरी जान पर बनाई थी। जान ही लेने गया था मैं दोनों की, लेकिन किस्मत अच्छी है कि बच गए दोनों। अल्लाह का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। हमान, हमान तुम भूल क्यों नहीं जाते हो कि अब तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं भूल सकता मैं मामा, जब तक अपने हाथों से दोनों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता
हर पल उस अजियत का शिकार होता रहूंगा कि कैसे उन दोनों ने मेरे बाबा की जान ली। वकार का जाना ऐसे ही लिखा था, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत। सही हो या गलत, जब तक वो दोनों जिंदा होंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, मत बैठो चैन से। ये लो। ये आप क्या कर रही हैं? अपनी बेवा माँ का दुपट्टा रौंदते हुए चले जाओ, मुझे खुद ही समझ आ जाएगी कि तुम्हारी नजरों में माँ की कोई अहमियत नहीं है। बेटी तो जीते जी खत्म हो गई, बाप तुम्हारा छोड़ के चला गया और तुम चले उन लोगों को मारने के लिए। मेरे काम करो, मुझे और इसको पहले ही मार दो। हमें किसके सहारे छोड़ के जाओगे? कुछ सोचा है तुमने? आप क्यों नहीं समझ रही है मामा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? हमें अजियत में डाल के वो वहां खुश है। मैं इतना बेगैरत और बुजदिल नहीं हूं, उनकी जान तो मैं लेकर रहूंगा। भूल जाओ उसे, भूल जाओ, वो मर चुकी है, अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा उसके साथ। तुम्हारे बाप के जाने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें भी खो दूं। मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। नहीं, तुम वादा करोगे, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। अमाद, कसम खाओ मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। अमाद, खा लेना कसम, हम दोनों का आपके अलावा और है ही कौन। प्लीज, मेरे नुकसान की जरा परवाह होती ना तो तुम ये सब कुछ कभी ना करते जो तुमने किया। तुम ये सब कुछ कभी भी नहीं करते। जैसे क्या हो गया शाज़िब, तुम्हारी अना और घमंड जीत गई, लेकिन तुम्हारी इस घमंड में मैंने अपना बाप खो दिया। शाज़िब, इस मोहब्बत के खेल में मैंने अपना बाप हार दिया। मामा,
तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत को मैं सारी जिंदगी अपने पास रखूंगी? नहीं शासिर, तुम मुझे हार चुके हो। सही कहा था तुमने, बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि मुझे कभी किसी का नहीं होने दोगे, मुझे कभी किसी का नहीं होने दोगे। मैं अब तुम्हारी भी नहीं रही, तुमसे इतनी नफरत करूंगी मैं कि एक एक पल तुम मेरी नफरत की आग में सारी जिंदगी जलोगे। मोहब्बत ना, तुम्हें मैं अपने आप से नफरत करने में मजबूर करूंगी, तुम इस घर की हर दीवार में अपना सर पीटोगे। मेरा नाम इस रहने है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने क्या किया शाजीर? मेरा सब कुछ चला गया शाजीर, मेरा बाप चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। कुछ खत्म हो गया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझसे मेरा कुछ छीन लिया। क्या हो गया, क्या हो गया? बाबा करें आप वापस आ गए, मैं किसी बड़े नुकसान से बच गई, वरना जिस तरह आप गुस्से में निकले थे ना, मुझे डर था कि उन लोगों के पीछे मैं आपको ना खो दूं। मामा से वादा किया है वो निभाना है। समझा लिया है खुद को कि मेरी कोई बहन नहीं थी, और अगर थी भी तो आज मर गई मेरे लिए। अच्छा तुम खुद ही मर गई, वरना तुमने जो तीली दिखा के मेरी खुशियों को आग लगाई है, इसका तो मैं हिसाब तुमसे अच्छी तरह लेती। अल्लाह तेरा शुक्र। तुम भले ही मेरी शक्ल ना देखो, लेकिन प्लीज कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से। जहर खिला दो मुझे, जीने की ख्वाहिश नहीं है। ऐसा मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ हमारी मोहब्बत को बचाने के लिए किया था यार, मैं क्या करता हूं हालात। मोहब्बत, किस मोहब्बत की बात कर रहे हो जिसमें मुझे अपना बांदी बना के यहां निगम में शामिल किया?
या उस मोहब्बत की बात कर रहे हो जिसके घमंड में मेरे घर वालों के सामने ही मुझे रुसवा कर दिया? मेरा घमंड नहीं था, मेरा जुनून था, मेरी मोहब्बत थी वो। तुम गलत क्यों समझ रही हो? तुम्हारे घर वालों के सामने कई बार कहा था कि तुम्हें अपनाना चाहता हूं, सीधे रास्ते से नहीं सुनते थे मेरी बात। उन्होंने मजबूर किया मुझे ये रास्ता अख्तियार करने पर। हाय से तुम्हारी शादी तय कर दी, तुम मेरा फोन नहीं उठाती थी। कहां से लाता वो जिगर तुम्हें किसी और का होता देख के? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं तुम्हें कैसे किसी और का होके देखता? नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसीलिए मुझे मेरे घर वालों से छीन लिया। उन्हें ये सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ भाग गई। गलत सोच रहा है वो। मैं सच्चाई बताने ही तो गया था, तुम्हारे घर वाले सुन नहीं रहे, मैं यही बताना चाहता हूं। क्या किसी को समझाओगे शाहजी? तुम्हारी तो खुद की मोहब्बत फरेब बन के मेरे सामने आ गई। जिसने मोहब्बत में कुर्बानी देने के बजाय मोहब्बत को छीन के हासिल करना चाहा। तुमने तो मेरा मोहब्बत पे से ईमान ही उठा दिया। बहुत गुरूर था मुझे तुम्हारी मोहब्बत का। अच्छा किया तुमने उसे मेरे पैरों की धूल बना दिया। थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या ठीक करोगे तुम? मेरी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो? मेरे ऊपर लगा इल्जाम हटा सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ भाग गई? चलो ये बताओ, क्या मेरे बाप को वापस ला सकते हो? चले जाओ यहां से, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब जब तुम्हारा चेहरा देखती हूं, अपने बाप का कातिल नजर आता है मुझे। ये बात पूरी हो चुकी है मामू, अब आपके या किसी के भी चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? निकाह कर लिया मैंने इसरा से। बीवी है उन्हें, इतनी बड़ी बात हो गई आपा, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। हम क्या करें? नहीं, मेरे तो आपसे सवाल है कि अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करते? निसार, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना फर्मा बरदार बेटा एक मामूली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने खानदानी इज्जत और नामूस को दाग लगा देगा।
देखिए आप सोचने समझने का वक्त तो अब चला गया, हम तो आपके आश्रय में रहे, क्या आप सब संभाल लेंगी, समझा लेंगी शाहजेब? लेकिन अब हमने जो कुछ सुना है उसके बाद आपके लफ्जों की कोई अहमियत रह नहीं गई। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से किन अल्फाज में माफी मांगूं। माफी? माफी मांगने से क्या होगा आपा, शाहजेब की वजह से मेरी दो बेटियों का नसीब दांव पर लगा हुआ है, निमरा का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ है, आपको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। और ये दूसरी दफा हुआ है निमरा के साथ, अभी पहली जिल्लत का दाग भी नहीं धुला था कि शाहजेब ने ये सब कुछ कर दिया। लोगों को हम क्या जवाब देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि बात तो निमरा से तय थी और शाहजेब किसी दूसरी लड़की को भगा के ले आया। कैसे रोकूंगी मैं लोगों की जबानों को, अपनी बच्ची को मैं कैसे समझाऊंगी? फरत, फरत अभी तो उसका फोन भी बंद है, वो घर भी नहीं आया रात से। शाहजेब घर आ जाए या उससे बात हो जाए तब मैं उससे सख्ती से पूछूं ना, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये सब झूठ है, गलत है, बहतान है मेरे बेटे पर, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और बिलफर्ज अगर उसने ऐसा किया भी है ना तो उसमें कसूरवार वो लड़की है। जब एक दुल्हन बनी लड़की किसी लड़के के मत्थे लग जाए तो फिर लड़का क्या करे? शाहजेब को आ जाने दे, मैं बात करूंगी उससे। देखिए निसार, मेरी तरबियत इतनी हल्की नहीं है कि मेरा बेटा ये सब कर जाए। शादी वाले रोज वो उस लड़की को घर उठा लाया था, उसके बावजूद आप ऐसे कह रही हैं? देखिए निसार, मेरा लाइक फाइक बेटा, उसके पीछे तो वैसे शहर भर की लड़कियां पड़ी रहती हैं, और उसका स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी ने उस लड़की को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया होगा। आप तो जानते हैं आजकल की लड़कियां यही सब कुछ तो देखती हैं। अब आप मेरे रजा को देखिए, उसने समीरा से शादी करने पर चूं नहीं की। शाहजेब भी ऐसा है, यकीनन वो लड़की उसको इस नहज तक ले आई होगी। रुको शाहजेब, कहां थे तुम पूरी रात से? मिश्रा के साथ। तो इसका मतलब है उस लड़की के घर वाले सच कहकर गए हैं कि वो लड़की अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे साथ भाग गई है। मिश्रा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या मैं यहाँ बैठकर इस बात का मातम करूं कि मैं जिस बेटे के आला किरदार की कस्में खाया करती थी वो एक लड़की की मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि उसे उसकी शादी से भगा कर ले आया? तो मुझे मजबूर किसने किया? आप सब लोगों ने तो मजबूर किया मुझे। आपने जिद पकड़ी दी थी कि मेरी शादी आप निमरा से करना चाहती हैं। मैंने तो कहा था कि मैं सरा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुमने कहा था, लेकिन मैं इस बात को कयामत तक नहीं होने दूंगी। ये बात पूरी हो चुकी है मामू, अब आपके या किसी के भी चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? निकाह कर लिया मैंने इसरा से। बीवी है वो मेरी, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पूरी तरह से होश और हवास में ही हूं मम्मा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने खुद कर्ज निकलोगे। शाहजेब, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने छोटे भाई का एहसास नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शाहजेब। क्यों करूं मैं तुम्हारा एहसास? तुम में से किसी ने भी मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया? किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या चाहता था? सबने अपने जहनों में सिर्फ ये सवार कर लिया कि इसकी शादी निमरा से होनी चाहिए। तुमने ये सोच लिया कि मेरी शादी तुम्हारे ससुराल में होनी चाहिए। मैंने कब किसी से बोली ये बात? आप निमरा को फोन करके पूछें मैंने कब उसको किसी बात का आसरा दिलाया। मम्मा, मैं चाहता ही नहीं था, मैं तो शुरू से इसरा का ही था, इसरा से ही शादी करना चाहता था। आप लोगों ने अपनी मर्जी कर ली, मैंने अपनी मर्जी कर ली, बस। तुम भूल रहे हो शाहजेब, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुमने उस लड़की से निकाह करके जो गलती की है ना,
उसे अभी सुधारो, तलाक दो उसे। ऐसा किसी सूरत नहीं होगा, मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम उस लड़की से दस्तबरदार नहीं हो सकते ना, तो तुम्हें इस घर और इससे जुड़ी हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आपका घर मैं कभी छोड़ चुका था। कुछ देर के लिए आया हूं, कुछ जरूरी काम ही करके चला जाऊं। से सारी बात सुन के तसल्ली हो गई आपको? हम लोगों के लिए क्या हुक्म फरमाए? हम यहां रुके, मजीद आपके किसी यात्रा में रहें, या आप अपने घर को चले जाएं? देखिए निसार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, और आपने सुना नहीं मैंने उससे क्या कहा। मैंने उसे कहा कि मैं उसे इस घर और जायदाद से निकाल दूंगी। हमने देखा भी और शाहजेब का कहा हुआ एक एक लफ्ज सुना भी। पापा, वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका है, अब आपके पास ही क्या अहमियत रह गई आप बताएं मुझे। फरद, 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 तुम तो मेरी बहन हो, तुम अपनी आपा की मजबूरी को समझो, तुम निसार भाई को समझाओ। मैं क्या कहूं आपको, क्या कह सकती हूं मैंने। यकीन करें, आप लोगों की वजह से बहुत दुख हुआ मैं। अरे आपको तो सब कुछ पता था, फिर क्यों छुपाया आपने? शाहजेब के बारे में आप जानती थी तो फिर निमरा के लिए क्यों बात की, क्यों दुख दिया हमें आपने? फरद, जितना दुख तुम्हें और निसार को है, उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी हूं। मैं तो तुम्हारी दोनों बेटियों को अपनी अपनी बहुएं बनाने का ख्वाब देख चुकी हूं। मुस्ताकी की माफी चाहता हूं आप, लेकिन आप अपने इस ख्वाब को अब दफन करके उस पर फूलों की चादर चढ़ा दें, क्योंकि मेरी बच्चियां अब इस घर की बहू नहीं बनेंगी। नहीं नहीं अंकल, आप मेरी बात सुने, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मेरी और समीरा की, तो हमारी तो शादी कर दें। बेटा, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, बस यूं समझ लो कि शाहजेब के किए की सजा हम सब भुगते। बाबा चलें। अंकल एक, अंकल अंकल मेरी बात तो, मेरी जिंदगी में तूफान लाने के बाद इस तरह तुम्हें पुरसकून देके पता मेरा क्या दिल कर रहा है शाहजेब? दिल कर रहा है तुम्हारे वजूद को आग लगा दूं। अगर मेरे वजूद को आग लगा देने से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो लगा दो, नहीं रुकूंगा तुम्हें। अरे पहले इस काबिल तो बन जाओ, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो।
बहुत अच्छे। तुम्हारे गुस्से ने बड़े और छोटे की तमीज भुला दी है तुम्हें शायद। शाबाश। अगर मेरी शादी समीरा से नहीं हुई ना तो फिर देख लेना। समीरा से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। बड़ा भाई समझ के हमेशा इज्जत की, मोहब्बत की, ये सिला दिया तुमने मुझे उस सबका। क्यों, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? क्या किया मैंने? कुर्बानी मांग रहे हो ना तुम? मैं नहीं देना चाहता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम कुर्बानी दे दो मेरे लिए। चलो मामा के पास चलते हैं, तुम उनसे बोल दो कि तुम्हें समीरा से शादी नहीं करनी, बल्कि उनसे ही बोलो कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है। फिर जो मामा की जिद है ना कि दोनों बहनें एक साथ आएंगी इस घर में, वरना एक भी नहीं आएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, मामला सॉल्व। सिर्फ एक काम करना, तुमने कुर्बानी देनी। क्या हुआ? बहुत मुश्किल लग रहा है, पता मसला क्या है? हम में से अक्सर लोग सिर्फ कुर्बानी लेना जानते हैं, देना नहीं चाहते। इतना बुरा लगने लगा हूं आपको कि मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं जानता हूं आप मेरी पसंद को नहीं अपनाएंगे और ना ही आपके इस घर में मेरे लिए कोई जगह होगी, इसलिए बाबा की तस्वीर लेने आया था। आई विश कि वो जिंदा होते तो ये सब कुछ ना करना पड़ता, वो मेरी पसंद को जरूर अपनाते। जो कुछ ले जाना है आज ही ले जाओ, क्योंकि इस घर के दरवाजे आइंदा किसी गुस्ताख के लिए नहीं खुलेंगे। मुझसे मोहब्बत नहीं करती लेकिन मुझे इश्क है सिरा से। इश्क बस इश्क है, सिरा बेकसूर है, कोई भी नहीं। माफ कर दे उसे। शर्त वफा। बहुत मुश्किल से खुद को यकीन दिलाया कि मेरी बहन अब मर चुकी है।
अगर मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। मामा, तुम बाकी मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम्हें इतना जिज कर दूंगी कि तुम अपनी हार का एतराफ करोगे। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान